नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुछि मु बापी एबे देखिबा संपूर्ण खबर पूर्ण कंदाइला प्याज किलो पिछा 25 टंका दर रे प्याज एबे बाजार रे बिक्री होउछि। राज्यर अधिकांश स्थान रे प्याज दर एही भली रहिछि। बेपारी कहउछन्ति पाग भलो नाही, आग को आहुरी बढिबो। बाजार रे प्याजर दर वृद्धि सांग को निम्न मानर प्याज खाउटिंग को हंतसंत करुछि। तेबे प्याज दर नियंत्रण नै जिलापालन को निर्देश देछि जोगाण विभाग। राज्य रे प्याजर कृत्रिम दर वृद्धि और कलाबजारी रोकिबा को जोगाण मंत्री सचिव को निर्देश देछन्ति। यापर प्याज दर उपर सतर्क दृष्टि रखा जिलापाल मान को चिठी लिखिछन्ति खाद्य जोगाण विभाग। अन्यपटे मंत्री कहिछन्ति 15 दिन भितर प्याजर दर कमिबो। बलांगीर जिला खपराखोल ब्लॉक हरिशंकर रेंज पक्षर वन महोत्सव पालित हो। खपराखोल ब्लॉक आम बाहली प्राथमिक विद्यालय परिसर में खपराखोल वन विभाग एक सचेतनता सभा आयोजन करथिला। एक कार्यक्रम में हरिशंकर रेंज अधिकारी श्री वत्स कुमार अध्यक्षता करथिबा बेले जिला परिषद सभ्य विप्रचरण बिसी मुख्य अतिथि रूपे जोग देथिले। स्थानीय सरपंच सविता मेहर सम्मानित अतिथि रूपे और मुख्य वक्ता भाव प्रकृति प्रेमी अभय त्रिपाठी जोग देथिले। तबे स्कूल समस्त शिक्षक छात्र छात्री ग्रामवासी और वन विभाग कर्मचारी माने उपस्थित थिले। वृक्षरोपण विषय रे सचेतन कराई स्कूल परिसर रे अतिथि मानक द्वारा वृक्षरोपण करा जायथिला। कलाहांडी जिला कोक्सरा ब्लॉक बराडेंगा पंचायत रे थिबा आदिवासी बहुल ग्राम पिंडा पदर झुलेनबर ग्राम रे बसवास करंती 20 आदिवासी परिवार। जीविका कहिले जंगल जात द्रव्य उपरे भरोसा करी परिवार प्रतिपोषण करंती माने। बहु अभाव अनटन रे बढ़ुवा बेले जंगल रु बाउंस आनी विभिन्न प्रकार सामग्री करी बजार रे बिकी निजर परिवार प्रतिपोषण करथुवा बेले एमानकु मिलुनी सरकारी सहायता। बाउंस देउछि जीवन जीविका। कलाहांडी जिला कोक्सरा ब्लॉक बराडंगा पंचायत रे थिबा एक आदिवासी बहुल ग्राम पिंडा पदर झुलेनबर गाँव में रहती 20 रु अधिक आदिवासी परिवार। जीविका कहिले जंगल जात द्रव्य उपरे भरोसा करी परिवार प्रतिपोषण करती। एमाने जंगल रु बाउंस संग्रह करी आनिबा परे महिला माने ताकू विभिन्न आकार दे घर करणारे व्यवहार हेउथिबा सामग्री तयारी करी पाखरे थिबा आमपाणी बजार रे नै बिक्री करी परिवार प्रतिपोषण करती। तबे दुर्गम अंचल रे बसवास करुथिबा आदिवासी एबे भी सरकारक जनहितकर योजनारु एमाने बाद पड़ी जाइछंती। किछि नै मिलबार आगे कुला टोपा गति गति काम परिवार पछु केते वर्ष हला नै एटा हला नै 5-6 वर्ष रे दादी बाप थानु सब करुछु नै एटा हमर पिला छुआ थानु बैला पर बोका बोल सब तो करुछु नै अरे इंती काम अरे मचिने परवर के नहीं आ गया नहीं 5 बार एनर्जी काम जे एबे तो से मशीन मन लगे का लगाओ छत ना पैसो सप्ताह के पुलिस का कुला गतले 8 तक। केन दिन के निकरडा बिका बुई करसो हम पानी रविवार आर किन बाजार अरे की ना किन बाजार नहीं ना दीरा बाजार ना किलो गोरे आनिया बटानिया से अरे बाजार में बट नेबे मिल आसुचे कि नै बडे आसुचे सेदर काम नै करवार करवार करि जे ते तारी जीवा दिन जोउछु नै जीवा दिन ई काम करुछु। योजना तो अछे आमे भी तो एनआरजी एसपीसन काम फॉर्म दिछु से मन तो से विषय ने ध्यान नै देवार पेमेंट फेमेंट टिके लेट हेसी बोली करे आर हेटा से माने बना कर बिक्री बटा करी करी जीविका निर्वाह करुछन। तबे जंगल मूलकर एही आदिवासी मानक उपरे प्रशासन दृष्टि केबे पड़िबो ताहा देखिबाकु बाकी रहिला। कलाहांडी जिला कोक्सरा ब्लॉक रु दुष्मत पाटजोशी रिपोर्ट हेडलाइंस ओडिशा। गजपति जिला मोहना निकटस्थ नारंगी जंगल रे शनिवार पुनरुद्धार पई आज जंगल विभाग पक्ष एक दिवसीय समूह वृक्षरोपण कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। मोहना जंगल विभाग सह एक कार्यक्रम रे मोहना हिटलॉक कॉलेज रो बहु छात्र जोगदे वृक्षरोपण करथिले। प्रशासन रो एही भली कार्यक्रम को स्थानीय बासिंदा स्वागत जणाइबा सह जंगल विभाग वृक्षरोपण करि तांकर दायित्व सराई देउथवा बेले नूतन वृक्षर सुरक्षा नै दाबी करिसेंति अंचलवासी।
ढेंकानाळ टाउन थाना अंतर्गत बनमाली प्रसाद ग्राम केन्द्रीय विद्यालय निकटरु चारिजण दुर्बृत्त दुईट बाइक आसी बंधुक देखा लुटि नेले 650,000 टंका। ओस्तपाल ग्रामर चाउल व्यवसाय प्रभाकर प्रधान बाइक जोगे ढेंकानाळ आक्सिस बैंक रे टंका जमा करिवाको आसुथिबा बेले चारिजण दुर्बृत्त बंधुक देखा टंका आ मोबाइल लुटि नेथिले तांकठारु। तबे एने प्रभाकर टाउन थाना रे लिखित अभियोग करिवा परे पुलिस घटनार तदंत करुछि। गंजाम जिला सोरडा ठारे मर्मन्तुत सड़क दुर्घटना। एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 6 जन युवक भोजी खाई दारिंगबाड़ी निज ग्राम गंगापुर को फेरुवा बेले गंजाम जिला सोरडा ठारे गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होता। प्रबल वर्षा होता बेले हठात एक महिला रास्ता उपरको चली आसी महिला जनक रक्षा करने को जा ड्राइवर जनक जोर ब्रेक देते फल गाड़ीटर भारसम्य हरई एक इलेक्ट्रिक पोल गाड़ी धक्का देता। ड्राइवर संतोष बेहरा केदारनाथ बेहरा गुरुतर आहत होते अन्य माने सामान्य आहत होते। घटनास्थल में स्थानीय आईआईसी प्रभात कुमार पहुंची गुरुतर मानक उद्धार करी मेडिकल को स्थानांतर कर। आज सका 10 घटिका समय जाजपुर जिला संस्कृति भवन परिसर में समवाय आपण द्वार कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाए। मुख्य वक्ता भाव विधायिका प्रमीला मल्लिक और श्रीजुक्त अमर प्रसाद शतपथी सभापत आम राज्य में कृषि और कृषकों उन्नति सरकार जोगाइ देउथिबा विभिन्न सुविधा सुजोग संपर्क में सचेतनता सृष्टि करने समवाय विभाग द्वारा 2 मास व्यापी स्वतंत्र अभियान चलता। एथिरे कोरेई विधायक आकाश दास नायक धर्मशाला विधायक प्रणव बलवंत राय जाजपुर पौरपालिका अध्यक्ष भावप्रसाद दास एवं नाबार्ड डीजीएम समवाय सभित्र सभापति प्रमुख उपस्थित रही। आमपाणी घाटी में मर्मन्तुत सड़क दुर्घटना। दुई बाइक मुहांमुही धक्का होगा फल दुई जनकर मृत्यु घटी। मृतक है आमपाणी ग्रामर रघु माझी और चैतु माझी। तेज घटनास्थल में मैदलपुर फांडी पुलिस पहुंची घटनार तदंत आरंभ कर। कलाहांडी जिला करलामुंडा ब्लॉक सदर स्थित ज्ञान भारती आवासिक विद्यालय परिसर में आईजीएसएस अनुष्ठान द्वारा 69तम वन महोत्सव पालित हो। महोत्सव अतिथि भाव तहसिलदार शुभ्रांशु शेखर पाड़ी एसबीआई शाखा परिचालक पारसनाथ पाणिग्राही प्रमुख जोगदे आगामी भविष्य पर जलवायु परिवर्तन में वृक्षरोपणर आवश्यकता उपर आलोकपात करने प्रति छात्र छात्री गछर जत्न नेबा एवं गछकु बंधु भली ग्रहण कले आगामी दिन में एक सुंदर और सुस्थ परिवेश मिल पारिबो बोली परामर्श देथिले। एही अवसर रे अतिथि और छात्र छात्री माने वृक्षरोपण करथिले। केन्दुझर जिला 20 नंबर जातीय राजपथ पद्मपुर एमएसपी प्लांट निकटस्थ बांको बारेणी पोल उपर छिड़ा होता एक ट्रक विपरीत दिगर द्रुतगति से आसुवा एक कार धक्का देता फल घटनास्थल में कार में बसी दुई जनकर मृत्यु होता। तेज घटनास्थल में उभय पुलिस और अग्निशम विभाग पहुंची शव को उद्धार करते। तेज पुलिस घटनार तदंत आरंभ कर मृतकों परिचय जाए मिलपारी। कलाहांडी जिला कोक्सरा रे धान बिहनर घोर अभाव देखा देखा बेले राज्य बीजेडी सरकार चासी मारणा नीति को विरोध करी और कृषि विभाग अपरागता को नहीं भारतीय जनता दल कोक्सरा ब्लॉक ठारे विक्षोभ और प्रतिवाद करी। ब्लॉकर चासी माने आज जाए धान बिहन पाई नथिबा बेले शासक दल आंतरिकतार अभाव जो चासी माने हैरान हरकत होता अभियोग आनी। जिला बीजेपी उपसभापति बद्री नारायण पटनायक और कोक्सरा मंडल सभापति रवींद्र पाटजोशी नेतृत्व में शताधिक बीजेपी कर्मी एक शोभा बाहरी ब्लॉक कृषि विभाग ठारे धारणा देते। एक दाबीपत्र कृषि अधिकारी घनश्याम देहुरी जरिया प्रदान कर। नुआपड़ा जिला स्थानीय जिलापालों बैठक गृह में मो स्कूल अभियान समीक्षा बैठक जिलापाल डॉक्टर पोमा टुडु अध्यक्षत अनुषित हो। जिलापाल डॉक्टर टुडु प्रकाश करते विद्यालय ही समाज गठन मूल भित्ति और सामर्थ्य अनुसार शारीरिक मानसिक और आर्थिक सहायता विद्यालय को जोगाई देवा उचित बोली से निज वक्तव्य प्रकाश करते। जिला शिक्षा अधिकारी विद्यालय विकास जनसाधारण को जोड़ा दिगरे अभियान उपयुक्त मंच बोली कहते। अन्य डीपीसी आदिकंद दास जिला विज्ञान निरीक्षक अश्विनी भोई डीआईईटी अध्यक्ष वृंदावन साहू प्रमुख उपस्थित थे। अनेक ग्रामर विद्यालय गुड़िको पाई विभिन्न प्रकल्पर प्रस्ताव विषय रे एने आलोचना होइथिला। मो स्कूल अभियान राज्य सरकार अभिनव चिंताधारा प्रकल्प
ଯେଉଁଟା କି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ଲୋକ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ କିପରି ଭାବରେ ସର୍ବୋପରି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ହେଉ ସେ ପିଲାର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉ ତାକୁ ବିକାଶ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ ଦିନ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଉମା ଟୁଡ଼ୁ ମହାଶୟ ସେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଦେଇ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ସଭ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜି ଆଠ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ବଦାନ୍ୟତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ସୌଦ ସହିତ 315,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପାଲଲହଡ଼ା ଖମାର ଥାନା ଛାଞ୍ଚୁଣୀ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମାଆର ତେଲ ଘଷା ଖାଇ ଶିଶୁଟି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିଛଣାରୁ। ଶିଶୁଟିକୁ କୁକୁର ନେଇଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ବେଳେ କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶିଶୁର ମୃତଦେହ ଘର ପଛପଟ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି କୂଅ ଭିତରକୁ କେମିତି ପଡ଼ିଲା ଏନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଲା ମା କୋଳରୁ ତା ପିଲାକୁ। ଘରେ ଶୋଇଥିବା ଶିଶୁଟି କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଛଣାରୁ। ଶିଶୁଟି କେମିତି ଆସିଲା କୂଅ ଭିତରକୁ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏବେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖମାର ଥାନା ଛାଞ୍ଚୁଣୀ ଗାଁର ଦୁଶାସନ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ। ଦୁଶାସନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର 12 ଦିନର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ତେଲ ମାରି ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ମାଆଠାରୁ ଘଷା ଖାଇବା ପରେ କୁନି ଝିଅଟି ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପାଖରେ ବାପା ଦୁଶାସନ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଥିଲେ। ଝିଅ ଶୋଇଗଲା ପରେ ମା ଶୌଚ ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀକୁ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖନ୍ତି ତ ବିଛଣାରେ ଝିଅ ନାହିଁ, ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ବିଛଣା। ତେଣୁ ସେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଝିଅକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଥିଲେ, ଏପରିକି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କଥାଟା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟିକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ବି ପାଇନଥିଲେ। ଏନେଇ ଖମାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଓ ଗାଁ ଲୋକେ ମିଳିତ ଭାବେ ଶିଶୁଟିକୁ ଖୋଜିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦୁଶାସନଙ୍କ ଘର ପାଖ କୂଅରୁ କୁନି ଝିଅଟିର ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ଖମାର ଥାନା ପୋଲିସ ମୃତଦେହଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ କିଏ କାହିଁକି ଆଉ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁନି ଝିଅଟିର ଜୀବନ ନେଲା ତାହା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପାଲ ଲହଡ଼ାରୁ ସୁବ୍ରତ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଟ୍ୱିଟର୍ର ପାରାଦୀପ ଲିଙ୍କୁ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍। ଏନେଇ ଆଜି ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ପାରାଦୀପଗଡ଼ ଓ ଉଦୟଭଟ୍ଟଠାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଛି। ଏହାସହ ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍କ୍ରାପ୍ ବ୍ୟବସାୟ, ହାଇୱେ ବ୍ୟବସାୟ, ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ତାର ଲିଙ୍କକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଏଥିସହ ପାରାଦୀପର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଟ୍ୱିଟର ପାରାଦୀପରେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ରହିଥିବାର ଖବର ନେଇ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର।